देखिए, अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। इसका शासन काल काफी अल्प समय के लिए रहा, 1756 से 1757। और सिराजुद्दौला का शासन काल बंगाल के राजनीतिक इतिहास का एक निर्णायक बिंदु है, क्योंकि इसी के शासन काल में बंगाल की सत्ता पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होता है। तो आइए देखें सिराजुद्दौला के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बड़े गौर से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहली बात, अलीवर्दी खां का यह नाती था, अलीवर्दी खां का नाती, ठीक है। तो जैसे ही यह बंगाल का शासक घोषित हुआ कि गद्दी के अन्य दावेदार भी उठ खड़े हुए, अर्थात सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब बनने के बाद इसको कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक आंतरिक चुनौती और दूसरा बाह्य चुनौती। तो आइए चुनौती, सिराजुद्दौला की चुनौती को देखिए। आंतरिक आंतरिक चुनौती था और बाह्य चुनौती, ठीक है। तो आंतरिक चुनौती कौन था? तो इसका मौसेरा भाई शौकत जंग। मौसी घसीटी बेगम, ठीक है। तो सिराजुद्दौला की जो सिराजुद्दौला को जो दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसको हम यहां पे आप लोग दो तरीके से, एक आंतरिक चुनौती और दूसरा बाह्य चुनौती। आंतरिक चुनौती में उसे जो था उसका मौसेरा भाई शौकत जंग, जो पूर्णिया का नवाब था, पूर्णिया अभी बिहार का एक इलाका है, पूर्णिया का नवाब था उस, और उसकी मौसी घसीटी बेगम। घसीटी बेगम जो ढाका के नवाब की विधवा थी, उसने सिराजुद्दौला के गद्दी को चुनौती दिया, अर्थात उसकी वैधता को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। दूसरा जो चुनौती था वो बाह्य चुनौती था, वो था अंग्रेज, ठीक है। तो अंग्रेज थे, तो पहले आइए, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि इन आंतरिक चुनौती से के साथ उसने सख्ती से उसको कुचलना चाहा, और 1756 में उसने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार डाला। मनिहारी का युद्ध, शौकत जंग को सिराजुद्दौला ने 1756 में मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार डाला, और अपनी मौसी घसीटी बेगम को अपने महल में ले आया। इस प्रकार उसने आंतरिक चुनौतियों को समाप्त कर दिया। लेकिन ये चुनौतियां बहुत पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी, ये अभी भी बनी हुई थी। आगे देखिए, अंग्रेज सिराजुद्दौला जैसे ही गद्दी पर बैठता है, अंग्रेजों का व्यवहार उसके प्रति थोड़ा रूखा रहता है। अर्थात अलीवर्दी खां के समय तक अंग्रेजों को जो व्यवस्था थी, क्लास अंग्रेज हो रहा मेरे मन हेलो में, इसे क्लास हो रहा सर। क्या बोल रहा है, अलीवर्दी खां के समय तक अंग्रेज जिस तरह से व्यवहार करते थे, सिराजुद्दौला के समय में उसने अंग्रेजों ने के व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो वे क्या थे कि वे व्यापारिक, अर्थात अपने व्यापारिक विशेषाधिकारों का वे दुरुपयोग करना शुरू कर दिए। जैसा कि मैंने बताया था कि मुगल बादशाह फर्रुख शियर के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल से कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी, जिसे दस्तक के नाम से जाना जाता था।
तो सिराजुद्दौला के समय में अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग शुरू कर दिया, परिणाम स्वरूप अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच जो संबंध थे वो काफी कटु हो गए। कटु मतलब एक संबंध जो था वो ठीक नहीं रहा, और सिराजुद्दौला ने सख्ती के साथ अंग्रेजों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका क्योंकि सिराजुद्दौला के प्रमुख सहयोगी उसके विरुद्ध थे और वे अंग्रेजों से मिले हुए थे, और उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने का षड्यंत्र किया। तो अंग्रेजों के साथ सिराजुद्दौला के मनमुटाव का पहला प्रमुख कारण क्या था? तो व्यापारिक विशेषाधिकार का दुरुपयोग। आइए आगे देखते हैं। बीच विवाद, विवाद का क्या कारण था? अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकार का दुरुपयोग, ठीक है। दूसरा, नवाब के विरोधियों को संरक्षण। ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच मतभेद का प्रमुख कारण था। पहला व्यापारिक विशेषाधिकार का दुरुपयोग और दूसरा नवाब के विरोधियों को संरक्षण। परिणाम स्वरूप 4 जून 1756 सिराजुद्दौला द्वारा कासिम बाजार अंग्रेजों का बंगाल में एक प्रमुख केंद्र था, और सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया, ठीक है। 15 जून 1756 सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पर अधिकार। पंद्रह जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता का के फोर्ट विलियम किले का जो प्रमुख था कर्नल ड्रेक, उसने भागकर फुलटा द्वीप, एक ज्वार द्वीप था, फुलटा द्वीप पर उसने अपनी जान बचाई, ठीक है। 20 जून 1756, गौर कीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, 20 जून 1756 काल कोठरी त्रासदी, इसको ब्लैक होल ट्रेजडी के नाम से भी जानते हैं जी इतिहास में। 15 जून 1756 को जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार किया तो बहुत से अंग्रेज बंदी बनाए गए। कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने बंदी बनाए गए 143 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। क्या था कालकोठरी त्रासदी? तो 143 अंग्रेज युद्ध बंदियों को एक छोटे कमरे में कैद, कर दिया।
जिसमें अगले दिन मात्र 23 बंदी जीवित बचे। कहा जाता है कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने 143 अंग्रेज युद्ध बंदियों को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया और अगले दिन मात्र 23 युद्ध बंदी ही जीवित बचे। इतिहास में इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया और सिराजुद्दौला को इसके लिए जिम्मेवार माना गया और खासकर ब्रिटिश इतिहासकारों ने सिराजुद्दौला को एक क्रूर, निर्मम, व्यभिचारी शासक के तौर पर प्रचारित किया और उसके खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को एक नया आधार दिया, प्रदान किया। अर्थात इसके बाद जब ब्रिटिश सैन्य अभियान जो बंगाल के नवाब के खिलाफ हुए, उसके लिए उन्होंने ब्लैक होल ट्रेजेडी को बहुत हद तक जिम्मेदार बताया, जो पूर्णतः सही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 2 फरवरी 1757। क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया। ठीक है, 2 फरवरी 1757 को क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने कलकत्ता को पुनः जीत लिया। ठीक है, परिणाम स्वरूप 9 फरवरी 1757 अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच अली नगर की संधि, ठीक है, और संधि की शर्तों के फलस्वरूप अंग्रेजों के सभी व्यापारिक विशेषाधिकार बहाल कर दिए गए। विशेषाधिकार पुनः बहाल कर दिए। ठीक है, 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि के द्वारा अंग्रेजों के व्यापारिक विशेषाधिकार पुनः बहाल कर दिए गए, लेकिन वास्तव में यह एक संधि नहीं था बल्कि यह एक युद्ध विराम था और अंग्रेज सिराजुद्दौला को बंगाल की सत्ता से अपदस्त करने का षड्यंत्र रचने लगे। ठीक है, और उन्होंने नवाब के सहयोगियों जैसे मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ आदि के साथ मिलकर नवाब के खिलाफ षड्यंत्र किया और उसे गद्दी से हटाने का प्रयास किया और परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला भी अंग्रेजों से अंतिम संघर्ष के लिए तैयार हो रहा था। परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 पलासी का युद्ध, 23 जून 1757 पलासी का युद्ध किनके किनके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार। पलासी, पहले गौर कीजिएगा, पलासी बंगाल के नदिया जिले में है। कहां है? नदिया जिले, बंगाल के नदिया जिले में, भागीरथी नदी के तट पर।
नदी के तट पर यह है, और यहीं पर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ और सिराजुद्दौला की हार। सिराजुद्दौला की हार, ठीक है। सिराजुद्दौला की हार का कारण क्या था? तो नवाब के सहयोगियों द्वारा विश्वासघात, अर्थात उसका सेनापति मीर जाफर द्वारा युद्ध में मुख दर्शक बना रहना, और बिना लड़े हुए ही अंग्रेज ये युद्ध जीत गए, ठीक है। तो इस प्रकार सिराजुद्दौला की हार हुई और बंगाल पर ब्रिटिश प्रभुत्व की, ब्रिटिश अधिपत्य की शुरुआत हुई, ठीक है। इतिहासकारों ने सिराजुद्दौला के विरोधियों और अंग्रेजों के बीच के षड्यंत्र को एक सौदा कहा है। के एम पनिकर, के एम पनिकर एक प्रमुख इतिहासकार हैं, जिन्होंने कहा है कि पलासी का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक सौदा था जिसमें नवाब के सहयोगियों ने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया, ठीक है, अंग्रेजों के हाथों बेच दिया, और इस प्रकार बंगाल पर ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का प्रारंभ हुआ। चूंकि यह एक षड्यंत्र था और षड्यंत्र के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे को लाभान्वित करने का सौदा किया था, और युद्ध के पश्चात यानी पलासी की युद्ध के पश्चात बंगाल का नया शासक जो बनता है उसका नाम है मीर जाफर। पलासी के बाद बंगाल के नए शासक का नाम है मीर जाफर। से 1760 तक यह बंगाल का नवाब बनता है, और शासक बनने के पश्चात इसने अंग्रेजों को काफी धन दौलत प्रदान किया, इवन 24 परगना की जमींदारी। अंग्रेजों को दिया। कहा जाता है कि पलासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल की सत्ता को डायरेक्ट अपने हाथों में लेने के बजाय उन्होंने एक डमी शासक के तौर पर मिर्जाफर को नवाब बनाया, और मिर्जाफर अंग्रेजों को वो सारी सुविधाएं देने में या वो सारी सुविधाएं प्रदान किया जो अंग्रेज चाहते थे, और अंततः जब मिर्जाफर अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहा था तो अंग्रेजों ने मिर्जाफर को भी उसी तरह से हटा दिया, और मिर्जाफर के बाद उसका दामाद मीर कासिम बंगाल का नया नवाब बना, ठीक है। तो मिर्जाफर के समय की सब कुछ बातों को आप लोग गौर कीजिएगा। तो पहला, इसने 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को दिया। दूसरा, बिहार के गवर्नर राम नारायण से विवाद। उस समय बिहार का गवर्नर राम नारायण था, उससे मिर्जाफर का विवाद हुआ, लेकिन राम नारायण को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था, परिणाम स्वरूप मिर्जाफर राम नारायण का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, ठीक है। और तीसरा, और अंततः सत्ता से बेदखल होने का कारण क्या था? तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को पूरा न कर पाने में विफल साबित होने लगा, तो अंग्रेज इसे हटा दिए, ठीक है। अब आते हैं नया नवाब मीर कासिम, 1760 से 1763। मीर कासिम, देखिए, पहली बात, बेंसी टाट। ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया के कंपनी के गवर्नर बेंसी टाट ने मीर कासिम को नवाब बनाया, ठीक है।
यहाँ एक बात आप लोग गौर कीजिएगा कि यद्यपि मीर कासिम अंग्रेजों के सहयोग से नवाब बना था, लेकिन अलीवर्दी खां के पश्चात वह एकमात्र ऐसा नवाब था जो योग्य था, जो नवाब की प्रतिष्ठा को कायम करना चाहता था और जो अंग्रेजों के प्रभुत्व से अपने आप को अलग करना चाहता था। तो इस प्रकार मीर कासिम ने बना तो था अंग्रेजों के सहयोग से नवाब, लेकिन नवाब बनने के बाद इसने क्या किया तो ब्रिटिश प्रभुत्व को समाप्त करने का प्रयास, ब्रिटिश प्रभुत्व को समाप्त करने का प्रयास। करने का प्रयास और इस दिशा में उसने कौन कौन से कार्य किए तो राजधानी मुंगेर हस्तांतरित, ठीक है। दूसरा, मुंगेर में बंदूक कारखाना की स्थापना। तीसरा, सेना का पुनर्गठन। तो इस प्रकार मीर कासिम ने सबसे पहले क्या किया तो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया। दूसरा, उसने मुंगेर में एक बंदूक कारखाने की स्थापना करवाई। तीसरा, उसने सेना का पुनर्गठन किया, अर्थात आधुनिक यूरोपीय प्रणाली पर अपनी सेना को पुनर्गठित करने का प्रयास किया। मीर कासिम द्वारा किया गया यह कार्य अंग्रेजों के लिए असहनीय था। अंग्रेजों को लगा कि अरे ये जो हमारे सहयोग से शासक बना अब हमारी प्रभुता को चैलेंज कर रहा है, तो अंग्रेज पुनः सक्रिय हुए और इन्होंने मीर कासिम को हटाने का षड्यंत्र किया। अंततः मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आइए बक्सर का युद्ध का आप समझ गए कारण क्या हुआ। तो बक्सर के युद्ध का एकमात्र कारण था कि मीर कासिम द्वारा नवाब की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास। और तात्कालिक कारण क्या था तो मीर कासिम ने दस्तक यानी कि व्यापारिक विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764, बक्सर का युद्ध। मीर कासिम की हार। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की हार हो जाती है। एक बात आप लोग गौर कीजिएगा, यद्यपि मीर कासिम अंग्रेजों को बंगाल से हटाने में सफल भले ही नहीं हो सका, लेकिन उसने अपने कूटनीतिक कौशल का जबरदस्त परिचय दिया। उसने बक्सर के युद्ध में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, को मिलाकर यानी के साथ एक सैन्य गठबंधन तैयार किया। शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ने मीर कासिम के तरफ से युद्ध में भाग लिया। लेकिन उसके बावजूद मीर कासिम की हार होती है, ठीक है, और बंगाल की सत्ता पर पूरी तरह से अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होता है। तो गौर कीजिएगा, यह बक्सर का युद्ध है। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला मीर कासिम के तरफ से संघर्ष करता है, लेकिन उनकी हार हो जाती है। परिणाम बक्सर के युद्ध का बड़ा ही ऐतिहासिक परिणाम, बड़ा ही महत्वपूर्ण है जी। और क्या परिणाम है तो बंगाल पर पूर्णतः अंग्रेजी नियंत्रण, बंगाल पर पूर्णतः अंग्रेजी नियंत्रण।
पहला महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? बंगाल पर पूर्णतः अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना। और दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम जो इसी से जुड़ा हुआ है, अंततः पूरे भारत पर, अंततः पूरे भारत पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। तो इस प्रकार बक्सर के युद्ध ने बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण को अस्थायी बनाया और अंग्रेजों ने बंगाल को आधार बनाकर आगे पूरे भारत को जीत लिया और भारत के नए प्रभु बने। और भारत 250 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलामी में रहा, जिसे भारत में गांधी के नेतृत्व में जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम जो होगी आप देखिएगा, उसमें भारत को आजादी मिली और हम लोग 1947 में आजाद हुए। तो यही कहानी है भारत की, ठीक है? तो आज इसको यही समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर में कुछ अन्य प्रांतीय राज्य जैसे मैसूर और मराठा, यानी टीपू सुल्तान और मराठा पेशवा के विषय में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।